Hello and welcome back to another tutorial of SQL Server from Practical IT. इस वीडियो में आज हम यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर्स की बात करने जा रहे हैं. यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर्स इन SQL Server. यूनियन ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है? यूनियन ऑपरेटर्स कम्बाइंस द रिजल्ट सेट फ्रॉम टू और मोर टेबल्स. यानी आपके पास दो या दो से ज़्यादा टेबल हैं तो आपको जो रिजल्ट सेट है वो आपका कम्बाइन करेगा और अरेंज भी करेगा. अरेंज द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर. उसी के साथ साथ वो जो डुप्लीकेसी आपको जो डुप्लीकेसी मिलती है यूनियन में डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है. एंड उसके लिए कुछ आपके क्राइटेरिया होते हैं. यूनियन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम बोथ द टेबल शुड बी सेम. देयर डेटा टाइप शुड बी मैच्ड. ऑल्सो जो आपका जो यूनियन है यूनियन आपका लिटिल बिट स्लोअर होता है यूनियन ऑल्सो, राइट? तो हम इसी में जानेंगे आज. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे आज कि अब कैसे काम करता है यूनियन एंड यूनियन ऑल, राइट? यूनियन एंड यूनियन ऑल आज का हमारा टॉपिक रहेगा. तो हम सेम अपना डेटाबेस यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ करते आए थे. यूज़ डेमो डीबी, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट? मेरे पास इसमें कुछ टेबल्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ. अभी पहले मैं छोटे छोटे टेबल से बात करूँगा, फिर उसके बाद थोड़े बड़े, थोड़ा इंटरमीडिएट, फिर एडवांस पे चलेंगे, राइट? तो मेरे पास पहले एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट पी. ये मेरे पास दो टेबल है, राइट? अब मान लीजिए मुझे यूनियन ऑपरेटर यूज़ करना है. यूनियन ऑपरेटर, राइट? मैं क्या करूँगा, यूनियन ऑपरेटर मैं यूज़ करता हूँ. इसमें मैंने इसकी जो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ए, उसके बाद मुझे एक यूनियन ऑपरेटर देना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट बी. इसका मतलब क्या है? मतलब जो मेरे इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये यूनियन हो जाएंगे स्टूडेंट टेबल से. यानी दोनों के रिकॉर्ड्स हैं मर्ज हो जाएंगे, राइट? अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड आपका यूनियन में मर्ज हो गया है, प्लस आपका जो डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, राइट? अगर आप चेक करोगे तो इसमें, तो यूनियन में मेरे पास इस कॉलम में इस टेबल में दो कॉलम हैं. इस टेबल में मेरे पास दो कॉलम है, राइट? नंबर ऑफ कॉलम सप्लाइड शुड बी सेम. मान लो अगर मैं इसको यूनियन ऑल करता हूँ तो क्या होगा? यूनियन ऑल क्या होता है, बेसिकली एक कंबाइंस करता है, आपका जो डुप्लीकेसी होता है वो भी इसमें कंबाइन कर लेता है, राइट? फर्स्ट थ्री में अगर आप फर्स्ट थ्री ये तीन रिकॉर्ड्स आपके स्टूडेंट ए के हैं और ये तीन रिकॉर्ड आपके स्टूडेंट बी के हैं. अगर आप चेक करोगे नंबर दो रिकॉर्ड ये आपका सेम है. यूनियन ऑल में बेसिकली ये कंबाइन कर लेगा, ठीक है, डुप्लीकेसी रिमूव नहीं करता है और ये डेटा को सॉर्ट भी नहीं करता है. अगर आप इसमें यूनियन लगाओगे सिर्फ, यूनियन में क्या करेगा, ये जो आपका जो डुप्लीकेसी है ये वाला टू हिडन डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा इसमें, राइट? फिर उसके बाद जो डेटा है आपका सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है. ये तो था आपका बेसिक डिफरेंस जो आपका यूनियन एंड यूनियन ऑल है. चलते हम अपने एग्जांपल पे. मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक मेरे पास टेबल है रिक्वायर्ड स्किल्स, राइट? एक टेबल ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट स्किल्स. मेरे पास ये दो टेबल है, राइट? इसमें मेरे पास एक में मेरे पास दो कॉलम है, एक में मेरे पास तीन कॉलम है. अगर मैं इनमें यूनियन करता हूँ, यूनियन अगर मैं इसको रन करने के बाद मेरे को क्या कह रहा है, ऑल क्वेरीज कंबाइंड यूजिंग ए यूनियन इंटरसेक्टेड और एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम जो आप सप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टेबल से शुड बी मैच विद द नंबर ऑफ कॉलम जो आप सप्लाई कर रहे हो सेकेंड टेबल से, जो कि आपका कैंडिडेट स्किल्स है. फर्स्ट टेबल में मेरे पास जो कॉलम है टू, अगर आप चेक करोगे फर्स्ट टेबल में मेरे पास टू कॉलम है एंड सेकेंड टेबल में मेरे पास थ्री कॉलम है, तो इस वजह से जो है ये ले नहीं रहा है. तो मैं अगर इसको यूनियन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आर अंडरस्कोर स्किल आई डी
कॉमा आर अंडरस्कोर स्किल, ये आपके दो कॉलम आ गए फर्स्ट टेबल से, सी अंडरस्कोर स्किल आईडी कॉमा सी अंडरस्कोर स्किल। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर आप चेक करोगे तो ये जो आपका रिकॉर्ड है इसने दोनों टेबल से कंबाइन हो गया, राइट, रिकॉर्ड आपका कंबाइन हो चुका है। सेव कर लेते हैं डेटा को, कंट्रोल एस फाइल सेव एस, सेव एस डेस्कटॉप एसक्यूएल यूनियन, राइट। मान लो ये जो मेरा डेटा टाइप है आर स्किल आईडी का ये इंट है ये, राइट, सी स्किल आईडी का भी इंट है। मान लीजिए मैं अगर आप कॉलम आगे पीछे कर देता हूँ, राइट, मान लीजिए ये वाला मैंने कंट्रोल एक्स किया, इसको मैंने फर्स्ट में ला दिया, राइट, फर्स्ट में लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्किल आईडी है मेरा आर स्किल, ये मेरा इसमें वेयर कह रहा है। अगर आप मैं इसको मैंने माउस होवर किया है तो इसमें कह रहा है वेयर कैर, इसमें मैं नीचे हूँ इसमें कह रहा है इंट, इसमें वेयर कैर, सॉरी इसमें इंट, इसमें वेयर कैर। तो ये क्या कर रहा है, ये जो इसका जो डेटा टाइप है कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी मतलब इसमें डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा। अगर मैं इसको रन करके अगर मैं इसको यूनियन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, कह रहा है कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द वेयर कैर वैल्यू एक्सेल वी वी ए टू डेटा टाइप इंट। इसकी जो वेयर कैर की जो वैल्यू है ये इसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली यूनियन क्या कर रहा है, यूनियन में हमें जो ये कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सेम है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसका डेटा टाइप ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, इन दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है, तो दिस वे से हमको एरर आ रहा है, राइट। तो ये जो हमारा यूनियन का एक बेसिक सा डिफरेंस था, तो मैं इसको आपको इसमें अभी कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे, मान लीजिए मैं इसमें वेयर क्लॉज यूज़ करता हूँ, राइट, यूज वेयर क्लॉज, बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिक्वायर्ड स्किल्स वेयर आर अंडरस्कोर स्किल इज इक्वल टू पाइथन दे दिया यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट स्किल्स वेयर सी अंडरस्कोर इज स्किल इज इक्वल टू बोला डब्ल्यू, राइट। ये हमारा यूनियन नहीं करेगा नंबर ऑफ कॉलम की वजह से, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें जो है सेम नहीं है। तो मान लीजिए मुझे इसमें कुछ दे देता हूँ आर अंडरस्कोर स्किल आई डी कॉमा आर अंडरस्कोर स्किल, इसमें मान लीजिए मैं देता हूँ सी अंडरस्कोर स्किल आई डी कॉमा सी अंडरस्कोर स्किल, राइट। ये तो हमारा वेयर क्लॉज हो गया। इस डेटा में मेरे पास जहाँ पे पाइथन होगा और उस डेटा में जहाँ पे मेरे पास टैबल्यू होगा, दोनों रोज को वो कंबाइन कर देगा, राइट, कंबाइन हो गया। इसके साथ जो डेटा है हमारा वो शॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये तो था सिंपल सा आपका वेयर क्लॉज यूज़ करके, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसमें जॉइन यूज़ करना है, लेट्स यूज जॉइन विथ यूनियन। बेसिकली जॉइन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, जॉइन बेसिकली क्या करता है, दो टेबल्स को कंबाइन करता है और यूनियन भी दो टेबल को कंबाइन करता है। यूनियन जो है आपका रो वाइज कंबाइन करता है, जो जॉइन है आपका कॉलम वाइज कंबाइन करता है, राइट। तो दोनों का काम जॉइनिंग का ही है मगर इन अ डिफरेंट वे। तो ये हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। मान लीजिए मैं इसमें जॉइन क्लॉज यूज़ करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास दो टेबल हैं जो मैंने आपको दिखाया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिक्वायर्ड स्किल्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट स्किल्स, राइट। दोनों में मेरे पास जो कॉमन जो वैल्यू है वो है
रिक्वायर्ड स्किल्स की, राइट, दोनों मेरे पास कॉमन है रिक्वायर्ड स्किल्स की। तो हम इसी पे एग्जांपल यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पे यूएन लगा देता हूँ, उसके बाद मुझे क्या क्या चाहिए इसमें से मैं देख लेता हूँ। बोला आर अंडर स्कोर स्किल आई डी कॉमा आर अंडर स्कोर स्किल, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोला आर एस, इसका एलियास नेम दे दिया। फिर मैंने बोला इनर ज्वाइन कैंडिडेट स्किल्स सी एस ऑन आर एस डॉट आर स्किल्स इक्वल टू सी एस डॉट सी स्किल, राइट। ये तो हमारा इसमें आ गया आर एस डॉट सी एस। और इसी के साथ मैं वेयर क्लॉज यूज करूँगा, वेयर आर अंडर स्कोर स्किल आई डी इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया लेट से मैं कहता हूँ, मान लीजिए पावर पॉइंट ले लो, पी ओ डब्ल्यू ई आर पी ओ आई एन टी पावर पॉइंट, राइट। उसके बाद मैं सेम इसमें यूज़ करूँगा यूनियन ऑपरेटर में, मान लीजिए मैं इसको देता हूँ, इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। पावर पॉइंट की जगह मैंने मान लीजिए इसमें टाइप कर दिया टेबलू, राइट। और इसमें मैंने यहाँ पे कॉलम, मैंने यहाँ पे दो ही कॉलम लिया है, तो मान लीजिए मुझे और दो कॉलम और चाहिए। सी अंडर स्कोर स्किल आई डी ले लीजिए आप, स्किल नहीं स्किल आई डी कॉमा सी अंडर स्कोर स्किल स्किल सॉरी स्किल सी अंडर स्कोर स्किल आई डी। यहाँ पे मुझे चार कॉलम है, यहाँ पे दो कॉलम है, मुझे यहाँ पे दो कॉलम और देने होंगे। सी अंडर स्कोर स्किल आई डी कॉमा सी अंडर स्कोर स्किल, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे इसमें जो मेरा मैंने पावर पॉइंट जो सेलेक्ट किया था फर्स्ट टेबल में ज्वाइन करके दोनों को, इसने वो ज्वाइन कर दिया है पावर पॉइंट प्लस टैबलू। इसने क्या किया है, ज्वाइन भी किया है, यूनियन भी किया है, यूनियन बोले तो रोज एड नीचे ऐड भी की हैं और ज्वाइन भी किया है, ज्वाइन मतलब कॉलम जो इसने बढ़ाए भी हैं। तो एक तरह का ये बेसिक एग्जांपल था, ये एग्जांपल था, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो यूनियन के साथ ज्वाइन, मेरा एक तरीका था बताने का। तो अब इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो यूनियन के साथ ज्वाइन, राइट। तो मैं आपको एक और थोड़ा एडवांस लेवल का एग्जांपल दे देता हूँ, एडवांस इंटरमीडिएट का। मेरे पास एक टेबल है जिसमें ऑर्डर लिस्ट, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास इसमें डेटा है 5000 रोज का, राइट। तो मैं इसमें से कुछ ऐसा एनालिसिस करूँगा, मान लीजिए मैं इसमें से कुछ एक एनालिसिस करता हूँ, मैं इसमें जो डेटा है मेरे पास, मैं पता लगाऊंगा इसमें कि मेरे पास जो वीक डे है सैटरडे संडे सॉरी वीकेंड है सैटरडे संडे, मेरे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एंड वीक डे जो नॉर्मल है मेरा मंडे टू फ्राइडे, उसमें मेरे पास कितना रेवेन्यू आया है इस कैफे से, राइट। तो इसी में हम आज करेंगे। तो उसके पहले मैं कुछ दिखा देना चाहता हूँ आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट वीक डे की वैल्यू होती है सिस्टम में सीक्वल सर्वर में, वीक डे संडे, वीक डे जो संडे की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, वीक डे सैटरडे की जो वैल्यू होती है वो सिस्टम में 7 होती है, राइट। तो हम इसी बिहाफ पे करने वाले हैं आज। मैं बोलूँगा सेलेक्ट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरा इन टाइम का जो डेटा है मुझे पता करना है ये सैटरडे है संडे है मंडे है ट्यूसडे है क्या ये, राइट। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट पार्ट, अगर आपने डेट पार्ट का फंक्शन यूज़ नहीं किया है पहले कभी तो आप मेरी मेरी एक इसमें एक पहले मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ इसमें वीडियो जिसमें डेट एंड टाइम एनालिसिस का है एक वीडियो, उसको आप जाके चेक कर सकते हो। रिसेंटली मैंने इसको अपलोड किया है यूट्यूब पे, राइट। मान लीजिए डेट टाइम में क्या चाहिए, वीक डे चाहिए कॉमा किस में चाहिए, ये मेरा कॉलम नेम है टाइम, राइट, फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास 3 क्या है ये, मैंने बताया था 1 आपका क्या होता है, 1 आपका होता है संडे होता है, 2 आपका होता है मंडे, 3 आपका होता है ट्यूसडे। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कीजिए, कॉमा दीजिए, डेट पार्ट की जगह आप डेट नेम लिख दीजिए, डेट नेम सेम लिखिए आप, वीक डे कॉमा एंड टाइम,
इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे, 3 ट्यूसडे है आपका, 4 वेडनेसडे है, 5 थर्सडे है, 6 फ्राइडे है और 7 आपका सैटरडे है, उसके बाद आपका वन आ जाएगा संडे, राइट। तो हम कुछ करने वाले हैं इसमें, हम सैटरडे संडे को हम चेक करेंगे हमारे पास कितना रेवेन्यू आया है और मंडे टू फ्राइडे तक कितना रेवेन्यू आया, राइट। तो ये मेरे पास डेटा है, ये जो इसकी 5000 रोज़ है, इसका नेट पे हम यूज़ करेंगे, नेट पे जो हमारा टोटल जो रेवेन्यू है नेट पे से आता है, राइट। मान लीजिए मैं इसमें बोलता हूँ सेलेक्ट सम ऑफ नेट पे फ्रॉम, मैंने बोला ऑर्डर लिस्ट, वेयर वेयर में मुझे देना होगा इसमें कंडीशन डेट पार्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया था इधर, वेयर डेट पार्ट वीक डे कॉमा, मेरा कॉलम क्या था, इन टाइम इन 1.7, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे टोटल रेवेन्यू दो उसका जो मेरे पास सेट वन डे संडे, 7 ही सैटरडे, सैटरडे संडे का, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये रेवेन्यू आ गया सैटरडे संडे का, राइट। अगर मुझे मंडे टू फ्राइडे का रेवेन्यू चाहिए तो क्या होगा, सेम करी जाएगी आपकी, सिंपली आप टाइप कीजिए नॉट इन, नॉट इन मतलब सैटरडे संडे ना हो, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये क्वेरी आ गई, राइट। अगर मैं दोनों को रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे यूनियन चाहिए, राइट, यूनियन मैंने यहाँ टाइप कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम्स लगाने हैं तो मैं क्या करूँगा, करूँगा सैटरडे संडे, राइट, सैटरडे संडे कॉमा, राइट। इसमें मैंने इसको कॉलम का नाम दूंगा तो मैं क्या दूंगा इसको, इसको मैं दूंगा मंडे टू फ्राइडे, राइट, ये मंडे टू फ्राइडे दिया मैंने कॉमा दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर आप चेक करोगे जो मैंने बताया था आपका यूनियन में जो डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए, ये वेयर कह रहे हैं, ये भी आपका टेस्ट है, टेक्स्ट है, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे सैटरडे संडे का मेरे पास रेवेन्यू इतना है, मंडे टू फ्राइडे का इतना रेवेन्यू, राइट। मान लीजिए मुझे कॉलम का इसमें जो नाम है अभी नो कॉलम लेना है, इसको मुझे कॉलम का नाम लेना है, एज पीरियड डाल दीजिए इसमें, एज पीरियड डाल दीजिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद पीरियड आ गया आपका, ठीक है, इसे कैपिटल में कर दीजिए पी, थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में, पीरियड आ गया, राइट। इसका कॉलम का नाम देना है तो मान लीजिए इस कॉलम का नाम देता हूँ मैं, मैंने यहाँ पे मेरा बोला एज ई एन आई एन जी एस अर्निंग्स, राइट, एज ई एन आई एन जी एस अर्निंग्स। और मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे इसका जो कॉलम का जो नेम है रीनेम हो गया है। मान लीजिए मैं टोटल यहाँ पे चाहिए, टोटल ऐड करना कैसे ऐड करोगे, राइट, यूनियन टाइप कीजिए टोटल सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट को यहाँ लिखना होगा टोटल, टोटल रेवेन्यू, राइट। इसके बाद आप कॉमा दीजिए, सम ऑफ आपका नेट पे फ्रॉम जो आपका टेबल का नाम है ऑर्डर लिस्ट, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ सिर्फ यही लाइन तो क्या मेरे को देगा, टोटल रेवेन्यू देगा, राइट। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ तो क्या देगा, ये टोटल रेवेन्यू इतना मेरे पास आ गया, राइट। टोटल रेवेन्यू अगर आप इसको टोटल करोगे तो सेम आपको यही आएगा। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं यूनियन ऑपरेटर का, आप कैसे यूज़ किया आपने देखा आपने। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने कुछ सीखा होगा, कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस करने का आपका सीखा होगा यूनियन एंड यूनियन ऑल में। ज़्यादा है नहीं है बड़ा टॉपिक, समटाइम्स आपका जो रिकॉर्ड्स हैं आपको मल्टीपल टेबल से जोड़ने में काम आते हैं ये। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ, इसमें जो है ऑर्डर बाई, अगर आप ऑर्डर बाई देना चाहते हो क्लॉज, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑर्डर बाई दिया है कुछ क्लॉज, ऑर्डर बाई इसको यहाँ डालते हो, ऑर्डर बाई कोई कॉलम नेम देते हो आप, राइट,
ऑर्डर बाय सम कॉलम नेम। ठीक है, तो जो ऑर्डर बाय जो क्लॉज है आपका यूनियन में, बेसिकली वन बाय वन काम नहीं करता। मान लीजिए आपने कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट दिया है, फिर आपने ऑर्डर बाय दिया है, तो ऐसे काम नहीं करेगा। तो आपको एक बार आपको फर्स्ट आपको यूनियन ऑपरेटर अप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद यूनियन ऑपरेटर के बाद जो सेलेक्ट स्टेटमेंट आपने जो लास्ट में लिखा है उसके बाद आपको ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना होता है, ये तो काम नहीं करता है। राइट, यूनियन ऑर्डर बाय क्लॉज आपको ऐसे यहाँ पे सबसे लास्ट में लगाना होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो आप इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हो यूनियन एंड यूनियन ऑपरेटर का। तो मुझे उम्मीद है आपने कुछ इसमें से लर्न किया होगा। ठीक है, फिलहाल मैं इस पार्ट में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे बात करूँगा जल्दी में। अगर आपको लगता है कुछ नया आपने सीखा है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड टिल देन आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।